नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल ने आज सुबह मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। अब मंगल यहां 10 मई 2023 तक विराजमान रहेंगे। आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिषविदों का कहना है कि मंगल ग्रह का मिथुन राशि में गोचर कुछ राशियों को लाभ देने वाला है, जबकि कुछ राशियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह राशि परिवर्तन किन जातकों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वृषभ राशि, मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपको मुसीबत में डाल सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अचानक से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। मानसिक तनाव या डिप्रेशन की जैसी समस्या भी आपको घेर सकती है। मिथुन राशि, मंगल का यह गोचर मिथुन राशि के लग्न भाव में हुआ है। इस राशि के जातकों को व्यवहार में संयम रखना होगा। लड़ाई झगड़े या वाद विवाद से खुद को दूर रखें। बिजनेस में पार्टनरशिप से बचें। इस दौरान प्रॉपर्टी में निवेश करने की गलती ना करें, नुकसान होने की अधिक संभावना है। कर्क राशि, मंगल का यह गोचर कर्क राशि के 12वें भाव में हुआ है। मंगल की चाल कर्क राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। आपको खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है। बेवजह की थकान और भागदौड़ से आपका सामना हो सकता है। रोग बीमारियों से बचकर रहें। जान लोगों के साथ रुपयों का लेन देन बिल्कुल ना करें। तुला राशि, मंगल का यह गोचर तुला राशि वालों के लिए जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कार्य व्यापार में रुकावटें बढ़ सकती है। इस दौरान बिल्कुल भी अनजान लोगों पर आग बंद कर भरोसा न करें। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, मंगल के मिथुन राशि में आने के बाद वृश्चिक राशि के जातकों को भी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। चोट चपेट से सावधान रहें। ठगी होने की संभावना रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि वालों को दांपत्य जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। व्यापारी वर्ग के जातक सावधानी से के साथ काम करें। सभी फैसले सोच समझ कर लेने। उनके अगले 45 दिनों तक कोई भी गलत फैसला न लें। कुंभ राशि, मंगल गोचर के बाद कुंभ राशि वालों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के मामलों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण न रखने से रिश्तों में खटास पड़ सकती है। रुपये पैसे के मामले में भी तंगी झेलनी पड़ेगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आपके लिए पारिवारिक कलह की होने की संभावना बन रही है। मन शांत रह सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। रुपये पैसे के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल।